आपके साथ मैं हूं अनुजा। राजस्थान में महीनों तक चली सियासी हलचल के बीच आज नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी तकरार धीरे धीरे शांत पड़ती जा रही है और गहलोत कैबिनेट में रविवार को 4 नए मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। इसी बीच सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ कमियां थी उस पर कांग्रेस हाईकमान ने ध्यान दिया है और उसे पूरा किया। पायलट ने कहा है कि मंत्रिमंडल की नई सूची से अच्छा और सकारात्मक संदेश गया है। उन्होंने कहा है कि हमने इस मुद्दे को बार बार उठाया था, मुझे खुशी है कि पार्टी आलाकमान और राज्य सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर हुई बैठक में गहलोत सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। 2023 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। सचिन पायलट ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा है कि पूरी संख्या एकजुट होकर काम कर रही है। आज राजस्थान में हर वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़कर काम कर रहा है। पायलट ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जिस तरह मौका दिया गया है उससे वह संतुष्ट है। 2023 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी के निर्देश पर पूरी निष्ठा से काम करूंगा। पायलट ने भाजपा पर निशाना साधा है। मीडिया को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा है कि भाजपा पर भी निशाना साधा और पायलट ने कहा है कि भाजपा धीरे धीरे हाशिए पर जा रही है। गहलोत सरकार के सभी मंत्री के इस्तीफे के बाद 15 नए मंत्री शनिवार को शपथ लेंगे, जिसमें से 11 कैबिनेट मंत्री हैं। सचिन पायलट खेमे में 5 मंत्री। बता दें सचिन पायलट खेमे के जिन लोगों को मंत्रालय में शामिल किया गया है उनमें से विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा और हेमा राम चौधरी कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा ब्रिजेश ओला और मुरारी मणा राज्य मंत्री हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में संगठन में भी आगे बदलाव में ये भी देखा जाएगा इसी तरीके। देखिए मैंने कहा ना आपको कि मुद्दा ये है कि जो कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, हर गांव देहात ढाणी में हमारा वर्कर है, वो छोटे बड़े सब वर्कर्स को नेताओं को लगना चाहिए कि हमारी सरकार में हमारी पूछ है और ये एक सही कदम है, सही दिशा में है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने इंटरेस्ट लेकर, राजस्थान एक महत्वपूर्ण स्टेट है, इसमें पूरा अपना ध्यान फोकस किया, सब लोगों को साथ जोड़ा, सबकी राय ली, किसी एक अकेले की राय की बात नहीं है, तमाम नेतृत्व जो राजस्थान का है सब लोगों से पूछा, नए पुरानों से सभी राय ली। अजय माकन जी ने एक एक एमएलए से बात करी है, एक एक जिलाध्यक्ष से बात करी है और फिर जब उसका स्वरूप तैयार हुआ उसमें जो हमारा प्रायोरिटी है उसको हमने आगे रखा और उसका परिणाम जो आपने कल शाम को देखा, इसलिए मुझे लगता है अच्छा निर्णय लिया। आपने कहा कि जो सोनिया गांधी जी द्वारा कमेटी बनाई गई थी उसका पहला जो स्टेप है वो अचीव कर लिया गया है कल जो हमने देखा उसके तहत। मैंने कहा आपको सवाल ये है कि और कौन से स्टेप्स अभी रह रहे हैं जो पूरे होने बाकी हैं। आप जानते हैं अभी अपॉइंटमेंट्स होंगे ना बोर्ड्स के, कॉर्पोरेशंस के, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के, सीएम को एडवाइजर भी लगाए जाएंगे उनके यहाँ, और भी संगठन में चेंजेस होंगे। तो चेंज तो एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन मैंने कहा ना जो दिशा पकड़ी है पार्टी ने वो स्वागत योग्य है, क्योंकि अब सिर्फ 22 महीने बाद चुनाव है, हम लोगों को मुस्तैद रहना है, हम लोगों को नए लोगों को जोड़ना है, हमारी मेंबरशिप चालू है पार्टी की, उसको और व्यापक बनाना है, लोगों को गैल्वेनाइज करना है। और जो भाजपा ने नीतियां अपनाई हैं उसको लोगों ने रिजेक्ट किया है, प्रधानमंत्री खुदा के माफी मांग के बिल ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर है। तो किसानों की, नौजवानों की बात तो हमको और आगे बढ़ाना है, महंगाई कमर तोड़ रही है उसके खिलाफ जनजागरण अभियान हम लोग चला रहे हैं। तो पार्टी को सक्रिय करने के लिए लोगों को जोड़ना पड़ेगा और मैं मानता हूँ राजस्थान के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत है कि 2023 में चाहे कितनी ताकत भाजपा लगा ले, केंद्रीय नेतृत्व लगा ले, लेकिन यहाँ पर 23 में हम लोग सरकार दोबारा बनाएंगे। सर, आपने अपने सपोर्टर्स को सब कुछ दिला तो दिया, आपने अपने लिए कुछ इस बार कैबिनेट, मैंने कहा ना भाई सुनो पिछली बार 200 टिकट कांग्रेस पार्टी में हम लोगों ने 18 में दिए थे, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष था, सब लोगों को हम लोगों ने सामूहिक निर्णय करके टिकट देकर हम लोग चुनाव जीते, जो हमारे एमएलए बने हैं। तो ये जो आप बार बार संख्या बल गिनाते हो ना, ये गुट वो गुट, कोई गुट नहीं है यहाँ, सिर्फ सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, राहुल जी का गुट है, उसके हम सब लोग मेंबर्स हैं और ऑनरेबल मेंबर्स हैं। इसलिए हमारा मत यही है कि यूनाइटेडली होकर आगे बढ़ें और हम 23 में सरकार बनाएं ताकि 24 में पार्लियामेंट चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन करें, जो हम पिछले दो बार से नहीं कर पा रहे। सर, आपने कहा कि